हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल वेज व्यंजन में आपका स्वागत है। तो आज मैं कोई रेसिपी वीडियो नहीं लेके आई हूं, बल्कि एक किचन टूर वीडियो लेके आई हूं, जो मेरी मॉम का किचन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये किचन टूर शेयर करूँ। ये किचन बहुत ज़्यादा बड़ा ना होते हुए भी ऑर्गेनाइज्ड और एक स्मार्ट किचन है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और झटपट लेते हैं इस किचन में एक एंट्री। किचन के एंट्रेंस के पहले लेफ्ट साइड में एक बहुत ही प्यारा सा शोपीस है गौतम बुद्ध का, जो बहुत ही खूबसूरत है और मन को बिल्कुल शांत कर देता है। और उसके बाद राइट हैंड साइड में ऊपर गणपति जी की बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई है। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी मेन एंट्रेंस पे किचन में, तो यहाँ पे एक प्लांट लगा के रखा हुआ है, जो आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश और सूदिंग सी फीलिंग देता है। और जब हम किचन में एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे ही फ्रिज रखा हुआ है। और फ्रिज के ऊपर ही ये ग्लास होल्डर है और इस पे ये ग्लासेस रखे हैं ताकि काउंटर टॉप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहे और ये हैंडी रहे ग्लासेस जब भी ज़रूरत हो। तो ये एक छोटा सा लुक है। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से। यहाँ पे नीचे एक माइक्रोवेव रखा हुआ है और उसके ऊपर एक फ्रूट बास्केट रखी हुई है और ऊपर की साइड ही छोटे मोटे स्नैक्स जो हमेशा चाहिए रहते हैं वो रखे हैं, ताकि किसी को भी जब भी चाहिए तो वो आसानी से इसे ले सके। उसके बाद यहाँ पे एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो जो घड़े का पानी होता है वो बहुत ही तरोताज़ा लगता है और प्यास जो है वो घड़े के पानी से बहुत अच्छे से बुझती है। और इसके बाद है ये 4 बर्नर्स वाला गैस स्टोव। और बिल्कुल गैस स्टोव के सामने आप देखेंगे कि जो टाइल्स हैं उनके कलर्स जो हैं वो अलग हैं, वो थोड़े कलरफुल रखे गए हैं, ताकि जब भी खाना बनाते टाइम प्रेशर कुकर की सीटी बजती है तो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं या फिर ऐसे ही छींटे जो लगते हैं उससे वाइट टाइल्स जो बहुत जल्दी गंदी दिखाई देती है, इसलिए ये कलरफुल टाइल्स बहुत इजीली साफ भी हो जाती है और देखने में भी बेहद खूबसूरत लगती है। तो ऊपर से जो व्यू आता है वो कुछ इस तरह आता है। इसके ऊपर एक चिमनी है बिल्कुल गैस स्टोव के ऊपर, ताकि किचन में बिल्कुल भी धुआं ना रहे। और चिमनी के ऊपर भी एक शेल्फ है जिसमें वो सामान रखा जाता है जो कभी कभी ही यूज होता है, जो डेली हमें रिक्वायरमेंट नहीं है जिसकी, क्योंकि ये काफी ऊपर है शेल्फ, तो इसमें वो चीजें रख सकते हैं हम आराम से। और राइट हैंड साइड की जो शेल्फ है उसमें वो चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होती हैं, यानी किचन में जब भी हम एंटर करेंगे तो हमें ये चाय पत्ती, चीनी के डिब्बे हैं, मसाला का डिब्बा है और उसके ऊपर एक सूखे आटे का डिब्बा है, जिसमें रोटी बनाते टाइम जब हम सूखा आटा यूज़ करते हैं वो वापस फिर इस तरह रख दिया जाता है। और ऊपर बिल्कुल जो है 2 बॉटल्स रखी हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और उनके साथ हैं उनके मैचिंग के ग्लासेस, तो ये किचन को और भी ब्यूटीफुल बनाता है। और जब हम इधर आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो कम से कम जगह घेरने वाली चीज़ें रखी गई हैं। जैसे ये कप होल्डर है, इसमें इतने सारे कप्स एक साथ हम रख सकते हैं और हमारी जगह भी बहुत कम यूज़ हो रही है। और ऊपर का जो ये कैबिनेट है इसके ऊपर, इसमें सारी दालें और बाकी के आइटम्स रखे हुए हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
ये देखिए ये सारे जो हम दालें वगैरह यूज़ करते हैं और सूजी बेसन वगैरह ये सारा यहाँ पे रखा हुआ है। और इसे ट्रांसपेरेंट डिब्बे में इसलिए रखा गया है ताकि आप इजीली देख सकें कि कौन सी दाल किस डिब्बे में है। इसे बहुत ही इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको एक एक डिब्बा खोल के देखना पड़ता है। और सबसे ऊपर की शेल्फ में रखा है वो क्रॉकरी का सामान जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होता है। चलिए वापस नीचे आते हैं तो ये देखिए ग्लास भी इस तरह रखे गए हैं, तो बहुत ही कम जगह जो है काउंटर टॉप की जो है वो ऑक्यूपाई हो रही है और काउंटर टॉप ऑलमोस्ट फ्री है काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ में नहीं है किचन। तो इस तरह जब हम कटलरी सेट रखें या फिर ऐसे होल्डर रखें तो हमारा बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई होता है। और पीछे दो मनी प्लांट की बॉटल्स भी रखी हुई हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर वक्त तो किचन में ही बिताते हैं, तो किचन को भी अगर हम इस तरह सजा के रखें तो काम करने में और भी मज़ा आएगा। और यहाँ पे एक तांबे की बॉटल ज़रूर आपने नोटिस की होगी, तो ये बॉटल है इसमें पानी भर के रात भर रख दीजिए और सुबह इसका पानी पीजिए, देखिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। तो ये एक तांबे की बॉटल भी रखी हुई है, पीछे एक चकला भी है। और गैस स्टोव के राइट साइड में एक खलबट्टा रखा है जिसे अदरक क्रश करने के काम में लिया जाता है सुबह चाय बनाने के टाइम पे। और नीचे के जो कैबिनेट्स हैं वो इस तरह बने हुए हैं, तो इसमें स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं, जो छोटे वाले कैबिनेट्स हैं, और नीचे ऑयल की बॉटल्स रखी हुई हैं, कंटेनर रखे हुए हैं। और इस वाली ड्रॉर में सारे बाकी के आइटम्स जो हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर है, बेलन और कटोरियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो इस तरह इतना सारा सामान इन ड्रॉअर्स में आ जाता है कि किचन जो है बहुत ही फ्री और बहुत ही स्पेशियस लगता है। और ये वाले ड्रॉअर में सारे प्लेट्स और बाकी तवा वगैरह रखा हुआ है। तो नॉर्मली जो काउंटर टॉप है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। और ये है स्पाइसेस स्टोर करने का बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, जो अमेज़ॉन पे भी आपको इजीली मिल जाएगा या किसी भी रिटेल शॉप से मिल सकता है। बहुत ही यूज़फुल होता है ये, क्योंकि इसमें बहुत कम जगह में करीब 12 स्पाइसेस हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार फिर एक 360 व्यू आपको देते हैं इस किचन का। तो राइट साइड से स्टार्ट करते हुए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ये नीचे है जिसका मैंने व्यू आपको दे दिया है पहले ही, और उसके बाद एक मिडल में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गैस स्टोव है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ही सिंक एरिया है, और उसके ऊपर ये आरओ लगा हुआ है। और आरओ के पास ही यहाँ पे एक छोटा सा गीज़र है ताकि ठंड में जब किचन में कुछ काम हो तो गर्म पानी अवेलेबल हो। और यहाँ एक विंडो भी है जहाँ से बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन होती है और बहुत अच्छी हवा आती रहती है, तो किचन में काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये था किचन का पूरा टूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उस बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाली और भी अच्छी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर।